गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कैंसर के डिटेक्शन, प्रिवेंशन और उसके ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, कैंसर इंडिया जिस प्रकार से डायबिटीज़ का इंडिया में नंबर ऑफ केसेस तेज़ी से स्प्रेड होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से कैंसर का नंबर भी इंडिया में तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो कैंसर के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट किया गया कि 2030 तक हर साल 25 लाख केसेस न्यू केसेस मिलते जाएंगे। ठीक है, कैंसर के तो अपन समझ सकते हैं कि कितना जल्दी इसका नंबर बढ़ते जा रहा है। अगर 2011 के सेंसस देखा जाए तो उस हिसाब से हर साल 4 लाख डेथ केवल कैंसर के कारण से हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अपन देखते हैं कि कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम क्या है। कैंसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम विथ 8 to 9 lakh केसेस ऑकरिंग एवरी ईयर। ठीक है, अभी करेंटली अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, 8 to 9 lakh केसेस पर ईयर देखने को मिल रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर इज नियरली 25 lakh केसेस इन द कंट्री। जो मैं आपको बताया 2030 तक इंडिया में क्या है, 25 लाख केसेस कैंसर के हर साल मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कैंसर आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो के इंडिया में सामने आने वाला है। ठीक है, एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होके आने वाला है। इसमें अगर थोड़ा सा अपन स्टडी करते हैं कि कैंसर के कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, पुराने समय से लेके अब तक हम लोगों का लाइफ जो मॉडिफिकेशन है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। ठीक है, उनकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, ढेर सारी आर्टिफिशियल चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कलर हैं, केमिकल्स हैं, तो ये सब है। उसके अलावा बहुत सारे लोग, चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, इंडिया में टोबैको अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि देखा गया है कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अगर कैंसर क्या है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारे खुद के सेल्स हैं जो कि एक उनको रुकना है वो पता नहीं, वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करते जा रहे हैं, वो होता है कैंसर। और आमतौर पर अगर हम देखा जाए तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको इरिटेट करते हैं, इन सेल्स को कुछ अलग तरीके का एक्ट करके इरिटेट करते हैं। हम अच्छे से सोते नहीं हैं, ये पूरा समय मोबाइल देखते हैं, ये टोबैको यूज़ करते हैं, या पूरा समय अनहेल्दी डाइट खाते हैं। तो ये सब एक फैक्टर हैं जिसके कारण से हम कैंसर सेल को इरिटेट करते हैं। और अगर हम ऐसे ही लंबे समय तक करते रहें तो क्या होगा, चांसेस हैं कि हम में भी बहुत समय तक, बहुत सालों बाद कैंसर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत बड़ा केस नंबर है कि हर साल इंडिया में 4 लाख लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर आने वाले समय पर अभी केवल 8 to 9 lakh केसेस हैं, जबकि ये कितने बढ़ जाएंगे, 3 times बढ़ जाएंगे लगभग, है ना। तो अगर 3 times बढ़ जाएंगे तो डेथ रेट भी क्या हो जाएगा, 3 times बढ़ जाएगा। या अगर 3 times ना भी बढ़ा तो कम से कम 10 लाख डेथ पर ईयर होने लगेगा 2030 तक। तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 40% ऑफ द कैंसर्स इन द कंट्री आर रिलेटेड टू टोबैको यूज़। ठीक है, अकेले जो टोबैको का कारण है वो क्या है, 40% कैंसर में अकेले कारण टोबैको है। ठीक है, इंडिया में पॉपुलर है टोबैको गुड़ाखू के रूप में, है ना, खैनी तंबाकू के रूप में, सिगरेट बीड़ी के रूप में, और भी कई फॉर्म में टोबैको यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1975 इन अ लिमिटेड फॉर्म लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल कैंसर सेंटर्स। ठीक है, कैंसर बहुत पहले ऐसा था कि हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटी थी तो डिटेक्ट नहीं हो पाता था। ठीक है, तो जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर नहीं हो पाता था। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजीज आते गई, हमारे पास इंडिया में संसाधन बढ़ते गए, तो 75 में क्या किया गया, देखा गया कि हाँ अब कैंसर जो है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि इसको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। तो इसीलिए 1975 में क्या है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
और ये जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो कि सीमित था केवल रीजनल कैंसर सेंटर्स, है ना। इसके लिए अलग से फील्ड में कोई काम नहीं चल रहा था, बस रीजनल कैंसर सेंटर्स के जरिए ये काम किया जा रहा था, ठीक है। रीजनल कैंसर सेंटर ऐसे होते हैं, मान लो जो 1975 की बात करता हूँ मैं, है ना, तो इस समय क्या हुआ था, रीजन डिवाइड किए गए थे कि हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, एटलीस्ट एक, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कोई बड़े स्टेट हैं तो। तो उस समय का जो छत्तीसगढ़ था, तो उस समय का रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट भोपाल में था, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ अलग स्टेट बन गया तो यहाँ का रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। और बाद में जब प्रोग्राम को अगर अपन आगे देखेंगे तो उसमें रीजनल कैंसर सेंटर्स जो है वो रीजन्स में, मतलब संभाग में, क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट्स के 5-6 डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के क्लस्टर क्रिएट किया जाए। एडवाइस तो किया गया था 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्लस्टर बनाना है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करी, 5-6-7-8-10 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक कैंसर क्लस्टर बनाई। तो उसका जो काम हो रहा है वो कोरबा में, उसके लिए एक हॉस्पिटल प्रपोज्ड है, बन रहा है, रायपुर में एक हॉस्पिटल ऑलरेडी मेकाहारा में चल रहा है, जगदलपुर में मेकाहज में जो मेडिकल कॉलेज जगदलपुर है वहाँ पर भी कैंसर यूनिट अलग से है, ठीक है। तो उस समय जब ये लॉन्च किया गया था तो इसके काम केवल लिमिटेड एरिया में सीमित थे, ठीक है, रीजनल सेंटर्स में ही ओनली, जो कि उस समय के मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। वर्क ऑन प्रिवेंशन एटसेट्रा इन 1984 द प्रोग्राम वॉज रिवाइज्ड स्ट्रेंथन एंड कन्वर्टेड टू NCCP, ठीक है। तो उस समय जब केवल रीजनल सेंटर्स के लिए किया था, लेकिन 84 में इसको रीडिज़ाइन किया गया और रीलॉन्च किया गया और नाम दिया गया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, 1984 में। तो अगर ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1984 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। दैट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वॉज, उस समय जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या रखा गया था, प्रिवेंशन फोकस था, ठीक है। जैसे कि हमको पता है प्राइमरी प्रिवेंशन, उस समय पे जो काम किया गया प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें कि हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर सफर्ड बाय स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो कैंसर सफर्ड है उसको किसके जरिए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए खोजने का रखा गया था। देन टर्शियरी प्रिवेंशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर, ठीक है। तो ये थे उनके उस समय के ऑब्जेक्टिव, जिसको कि थोड़ा डिटेल में अपन अब देखेंगे। ये तो आप सभी को पता है प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है और टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है। अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं कि उस समय के करंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NCCP क्या थे, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर बाय हेल्थ एजुकेशन स्पेशली रिगार्डिंग हजार्ड्स ऑफ टोबैको कंजप्शन एंड नेसेसिटी ऑफ जेनाइटल हाइजीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। उस समय पे सीधा ध्यान दिया गया कि सबसे बड़ा कारण जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, मेल एंड फीमेल, तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहा है वो एज कम्पेयर टू फीमेल मेल्स में ज़्यादा होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है टोबैको यूज़। फिर फीमेल में आता है जो कि एज कम्पेयर टू मेल परसेंटेज कम होता है थोड़ा, लेकिन उनमें भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि खास तौर पर होते हैं जेनाइटल अनहाइजीन होने के कारण से, ठीक है। तो क्या किया गया उस समय, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ सेंटर्स सॉरी कैंसर्स बाय हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन को ही उस समय फोकस में रखा गया, ताकि हम लोग जो टारगेट पॉपुलेशन है, ऐसे टारगेट पॉपुलेशन जो कि कई सालों से टोबैको यूज़ कर रहे हों कोई भी फॉर्म में, उस टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनको हेल्थ एजुकेट किया गया कि वो टोबैको यूज़ ना करें और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। देन है फीमेल्स में, ठीक है, ये ऐसा समय था 84 कि हमारे यहाँ इंडिया में सैनिटरी पैड का चलन एक लिमिटेड एरिया या लिमिटेड लोगों तक ही था, ठीक है, और आमतौर पे जो वुमेन्स हैं वो क्या करते थे, सिंथेटिक या जो कॉटन का कपड़े को यूज़ करते थे सैनिटरी पैड के तौर पे, जिसके कारण से क्या था, वो अपना जेनाइटल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे प्रॉपर तरीके से। और हमको पता है कि अगर जेनाइटल हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को प्राइमरी प्रिवेंशन में फोकस में रखा गया था।
देन आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मोटो है अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। जितना जल्दी हो सके कैंसर को क्या किया जाए, अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जाए। जैसे कि अपन लोग देख सुनते हैं ना कि कैंसर फर्स्ट स्टेज का कैंसर था या सेकेंड स्टेज का कैंसर था या थर्ड स्टेज का कैंसर था, तो जितना जल्दी वो डायग्नोस होगा, जितने जल्दी स्टेज में वो डायग्नोस होगा उतना जल्दी उसका रिकवरी का चांसेस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल कैंसर ऑफ सर्विक्स ब्रेस्ट ऑफ द ओरोफेरेंजियल कैंसर बाय स्क्रीनिंग मेथड एंड पेशेंट एजुकेशन ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में लोगों को अवेयर किया गया कि आप अपने कैंसर को खुद पहचान सकते हो, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ये सब को सेल्फ एग्जामिनेशन के जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस समय ये किया गया था कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स को, और बोला जाता था कि वो हर एक महिला तक ये चीज़ को, बात को पहुँचाएँ, खासतौर पर उन महिलाओं पर जिनका एज 45 से ज़्यादा है, ठीक है। और ओरोफेरेंजियल कैंसर के लिए हेल्थ वर्कर को एजुकेट किया जाता था कि वो चेक करें कि कोई ऐसा पर्सन है क्या जो टोबैको यूज़ करता हो और उसके मुंह में कहीं पर छाले हों जो कि बहुत समय से हील नहीं हो पा रहे हों, ठीक है। तो इसको जब लोगों को सिखाया जाता था तो जब लोग खुद से जब जागरूक हो गए कि हाँ ये जो मेरा छाला है ये नॉर्मल छाला नहीं है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शायद कैंसर हो सकता है, तो अवेयरनेस बढ़ा। अवेयरनेस बढ़ने के कारण से लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल तक आए और केसेस मिलने चालू हो गए, ठीक है। तो ये था सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन है थर्ड है जो कि टर्शरी प्रिवेंशन आता है, जिसमें खास तौर पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज विच आर वोफुली इनएडिक्वेट, ठीक है। क्या करना है, स्ट्रेंथ देना है, मतलब कि मजबूती लानी है या काम में उनका क्वालिटी लाना है जो कि वर्तमान में कैंसर इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, है ना। करेंटली जो भी कैंसर इंस्टीट्यूट है वो काम कर रहे हैं जो कि अभी के हिसाब से वो इनएडिक्वेट तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। देन ए फोर्थ है पैलेटिव केयर इन टर्मिनल स्टेज ऑफ द कैंसर, ठीक है। हम लोग को पता है कि कैंसर का जो डेथ है, ठीक है, जो कैंसर के कारण से जो डेथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ होता है ना। तो ऐसे समय पे पेशेंट को पैलेटिव केयर हम उस पेशेंट को देते हैं जो कि टर्मिनल स्टेज में आते हैं, जहाँ से हमको पता है कि ये पेशेंट का डेथ ऑलमोस्ट कन्फर्म है, ठीक है, या कन्फर्म है। तो हम लोग उनके डेथ को कोशिश करते हैं कि इनको पैलेटिव केयर के जरिए पीसफुल डेथ इनको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो ऐसे सब सेंटर्स के करंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव थे एनसीसीपी के उस समय के लिए, जो कि उस समय भी क्या थे, केवल रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट्स तक ही सीमित रहते थे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसका स्कीम्स, इसके अंदर में क्या क्या आए थे जिसको कि बाद में रिवाइज किया गया था, ठीक है। स्कीम्स अंडर नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एस ऑन 1 जून 2008, ठीक है, 2008 में इसमें कई प्रकार के मॉडिफिकेशन किए गए और कुछ स्कीम्स को उसमें ऐड किया गया, ठीक है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2005 से ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2005। जिसमें सबसे पहला चीज था स्कीम के अंदर में रिकॉग्निशन ऑफ न्यू रीजनल कैंसर सेंटर्स, ठीक है। जितने भी एग्जिस्टिंग थे उस समय के रीजनल कैंसर सेंटर्स थे उनको क्या करना है, उनके नंबर्स को बढ़ाना है, ठीक है, और उनको एक तरीके का कैंसर सर्टिफाइड रिकॉग्निशन देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, मान लो छत्तीसगढ़ स्टेट में एक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो ये ऑर्डर आया कि जितने भी हमारे रीजन्स हैं, ठीक है, बस्तर है, सरगुजा है, बिलासपुर है, ये सब जगह क्या हो, कैंसर हॉस्पिटल अलग से खोले जाए, ठीक है। तो उनको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है और उनको बढ़ाना है। टू एनहेंस द कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री एंड रिड्यूस द जियोग्राफिकल गैप इन द कंट्री इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंसर केयर फैसिलिटीज न्यू रीजनल कैंसर सेंटर्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इसमें फोकस किया गया है न्यू कैंसर सेंटर्स, ठीक है। आप देखेंगे कि हम लोग का जगदलपुर मेडिकल कॉलेज बाद में बना, यहाँ पर कोई कैंसर फैसिलिटी नहीं थे और अभी भी उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है, लेकिन रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज लिस्टेड है, ठीक है।
तो उसको क्या किया गया था, न्यू रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट को वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹5 करोड़ इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर न्यू RCCs। ठीक है, अगर कोई भी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट अपने जगह पे खोलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ₹5 करोड़ क्या करती है, तुरंत फंड देती है कि वो नेसेसरी इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ रिक्रूटमेंट कर सकें। ठीक है, तो पहला था रिकॉग्निशन ऑफ न्यू रीजनल कैंसर सेंटर्स। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रीजनल कैंसर सेंटर्स। ठीक है, जो ऑलरेडी रीजनल कैंसर सेंटर्स काम कर रहे हैं उनको क्या करना है, स्ट्रेंथ देना है। ठीक है, मतलब कि उनके जो काम करने का लिमिटेशन था उसको बढ़ाना है। मान लो वहाँ पर कुछ अच्छी मशीन नहीं थी तो उसको बढ़ाना है, मान लो वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं थी तो उसको प्रोवाइड करना है, मान लो वहाँ पर कोबाल्ट यूनिट नहीं था तो कोबाल्ट यूनिट वहाँ पर लाना है, वहाँ पर स्पेशलाइज डॉक्टर्स नहीं थे तो उसको लाना है। ठीक है, तो ऐसे सब के जरिए स्ट्रेंथनिंग के लिए किया गया, जिसके लिए कि गवर्नमेंट क्या करी, ₹3 करोड़ इज प्रोवाइडेड टू द एग्जिस्टिंग रीजनल कैंसर टू द फर्दर स्ट्रेंथनिंग द कैंसर केयर सर्विसेज। उसके लिए क्या किया गया, उनको ₹3 करोड़ का एडिशनल फंड दिया गया। ठीक है, थर्ड है, थर्ड स्कीम में क्या किया गया, डेवलपमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी विंग। ठीक है, फिर से क्या किया गया कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर प्रोवाइडेड विद अ ग्रांट ऑफ ₹3 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी विंग। उनको एनकरेज किया गया जितने भी हॉस्पिटल्स थे कि आप अपने एरिया में, अपने हॉस्पिटल में एक अलग विंग बनाएं, एक अलग डिपार्टमेंट बनाएं जो कि केवल क्या हो, ऑन्कोलॉजी सेक्शन को डील करता हो, जिसके लिए अलग से ₹3 करोड़ का ग्रांट उनको दिया गया। ठीक है, देन है मॉडिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, मॉडिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं द DCCP विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ नोडल एजेंसी। ठीक है, जो नोडल एजेंसी कौन होती थी, रीजनल कैंसर सेंटर्स, उनके द्वारा उनको करने के लिए बोला गया, विच मे बी अ रीजनल कैंसर सेंटर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ रेडियोथेरेपी फैसिलिटी, और ऐसे जगह पे जहाँ पे रेडियो फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है, जो कि अपन रेडियोथेरेपी मतलब कोबाल्ट यूनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अ क्लस्टर ऑफ 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट आर टेकन अप फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, मिनिमम ट्रीटमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सपोर्टिव कैंसर केयर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और इनमें सजेस्ट किया गया था जो मॉडिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर बनाया जाए। ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए उतना फंड देना पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट को, तो वो बोली कि 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को एक प्लानिंग के जरिए जोड़ा जाए और ये सारी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और मिनिमल ट्रीटमेंट एंड सपोर्टिव केयर। ठीक है, ये सब चीज़ों को उस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 90 लाख रुपीज़ का सेपरेट बॉन्ड दिया था जो कि 5 साल तक उनको मिलता रहता। ठीक है, तो ये था मॉडिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। देन है फिफ्थ है डिसेंट्रलाइज NGO स्कीम। कैंसर एक ऐसा इशू है जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम लोग अवेयर नहीं करेंगे तो कई लोग क्या होते हैं कि उनको कुछ पेट में प्रॉब्लम है, मोशन प्रॉब्लम है, उन लोग छोटी मोटी दवाई लेके अपने सिम्टम को रिलीफ कर लेते हैं और कैंसर जो है फर्स्ट स्टेज से सेकंड में चला जाता है, सेकंड से थर्ड स्टेज में चला जाता है और डायग्नोसिस उसका बहुत लेट होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या है, हम लोग को NGO का हेल्प लेना है कि वो लोग इतना ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं अपने कम्युनिटी में कि लोग इतना ज़्यादा अवेयर हों कि कैंसर के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ताकि वो लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग हॉस्पिटल तक आ सकें, या वो लोग टोबैको यूज़ कर रहे हों तो लोग ये सब चीज़ों को यूज़ करने को छोड़ दें। ठीक है, तो इसके लिए NGO को, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको कि अपन समाज सेवी संस्थाएँ होते हैं, उनको जोड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ, अ ग्रांट ऑफ ₹800 पर कैंप विल बी प्रोवाइडेड टू दी NGOs फॉर IEC एक्टिविटीज़, जिसके लिए जो भी NGO रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, उनको काम दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप अपने एरिया में क्या करो, हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी करवाओ, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, और हर एक कैंप, जब भी अवेयरनेस कैंप लगाएंगे उसके लिए ₹8,000 उनको अलग से
पैसा दिया जाएगा, ठीक है। द फंड आर रिलीजेस थ्रू अ नोडल एजेंसी विच कुड बी अ रीजनल कैंसर सेंटर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ रेडियोथेरेपी फैसिलिटी, ठीक है। और ये फंड कौन देगा? जो रीजनल कैंसर सेंटर्स होंगे, ठीक है। देन है सिक्स्थ वन, कैंसर रजिस्ट्री ऑफ सफर्ड, ठीक है। कैंसर रजिस्ट्री ऑफ सफर्ड, जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, कई ऐसे डेथ होते हैं जिनका कॉज ऑफ डेथ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो लोग टर्मिनली इल रहते हैं, है ना, वो लोग थर्ड स्टेज के कैंसर में होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो लोग हॉस्पिटल तक जा सकें और उनका ट्रीटमेंट झोला छाप डॉक्टर लोग करते रहते हैं या वो लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और उनका डिटेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जगदलपुर की बात करो तो यहाँ पर भी आपको अगर कैंसर होता है तो भले ही यहाँ पर रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलने वाली है, ठीक है, और लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो अपन सोच सकते हैं जब शहर में ये स्थिति है तो गाँव के लोग कैसे इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो पेशेंट का जो नंबर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर साल नहीं, समय समय पे कैंप किया जाता है PHC पे, CHC पे, विलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, और कैंप के जरिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, स्क्रीन करते हैं पेशेंट को और लगता है कि हाँ इनमें कुछ सिम्टम दिख रहे हैं कैंसर के, तो उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट्स में या तो स्टेट इंस्टीट्यूट्स में, ताकि उनका बायोप्सी किया जा सके और बाकी सब चीज़ों को असेस किया जाए। और वहाँ पर क्या करते हैं, अगर वहाँ से वो कन्फर्म हो के आ जाते हैं तो ऐसे पेशेंट को रजिस्टर्ड करना। तो इससे क्या है, करंट सिचुएशन हमको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में क्या करंट ट्रेंड है कैंसर का, कितने परसेंट मेल, कितने परसेंट फीमेल, कितने परसेंट कौन से एज के, कितने परसेंट कौन से ऑक्यूपेशन वाले, कितने लोग स्मोकर, कितने लोग नॉन स्मोकर, मतलब कि हमको सेंसस पता चलेगा, ठीक है, ओवरऑल। तो इसके लिए क्या है, पेशेंट का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय क्या करते हैं, कैंसर के पेशेंट को जो भी हैं सफर्ड हैं उनको रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। देन है सेवन्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर पोस्ट पार्टम सेंटर्स इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर क्या करना है, पोस्ट पार्टम सेंटर्स डेवलप करना है, ठीक है, ताकि जो भी पेशेंट कैंसर से सफर्ड हो उसका वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, ठीक है, और उनका सही तरीके से PM करके भी देखा जा सके कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटर्स हर मेडिकल कॉलेजेस में बनाने के लिए सजेस्ट किया गया है स्कीम में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।